कि अब से ठीक 11 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे और इसके लिए लगभग पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, फाइनल हो चुकी हैं। विदेश से मेहमान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन सुबह सवेरे जब आज दिन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे और बापू को उन्होंने याद किया राजघाट पहुंचकर। फिर उसके बाद सदैव अटल वो गए जहां पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया और उसके बाद वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को नमन करते हुए नजर आए नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चंद घंटे की देरी है जब देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखेगी। शामियाना तैयार हो चुका है, लाल कालीन बिछाए जा चुके हैं, कुर्सियों की कतार तैयार है, समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान पहुंचने लगे हैं। वो स्टेज तैयार हो रहा है जिस पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होने की शपथ लेंगे। एनडीए सरकार में नरेंद्र मोदी के साथ करीब 52 से 55 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें 19 से 22 कैबिनेट और करीब 33 से 35 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही एनडीए के बाकी दलों के लिए भी मंत्रियों के नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के 7 देशों के नेता शामिल होंगे, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू, भूटान के प्रधानमंत्री शोरिंग तोबगे शामिल हैं। तो देखिए, जनादेश कुछ ऐसा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, तो विपक्ष ने कमर कस ली है। कहा विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए किस तरीके से आज क्या क्या घटनाक्रम रहा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर किस तरीके से निगाहें टिकी रही, समझिए 7 सेकंड न्यूज में। सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। पार्टी सांसदों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय दल के प्रमुख के रूप में सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। इससे पहले कांग्रेस के कार्य समिति ने राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया, जिस पर राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से कहा कि वो बहुत जल्द इस पर फैसला लेंगे। तरीके से अपने को चुनता हूँ, 5 बार वो लोकसभा के सदस्य, साहसी लीडर अपनी बात कह लेते, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी से बेहतर कोई दूसरा नहीं। जिस काम के लिए पर्टिकुलर, जिस एजेंडे के तहत ये मीटिंग रखी गई थी उस पर ही बात हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही उस पर चर्चा होगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष का पद संभालें। देखिए, नीट पेपर लीक और उसके नतीजों को लेकर अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है। 4 जून को नतीजे आए और गड़बड़ी का आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया गया और दावा किया कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक और रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला तून पकड़ता जा रहा है। धांधली के आरोप के साथ छात्रों में विरोध के स्वर मुखर होने लगे। देश के अलग अलग हिस्सों से छात्रों का रोष बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के कोटा, यूपी के वाराणसी और प्रयागराज में नीट कैंडिडेट्स ने जमकर प्रोटेस्ट किया। अलग अलग कोचिंग संस्थानों के हजारों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अपने साथ अनदेखे और भविष्य से खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाया है। इस बार अचानक इतना रैंक इन्फ्लेशन हो गया है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और एनटीए इसमें बुरी कमी, एनटीए के बताए 618 619 नंबर ग्रेस मार्क दे रहे हैं। 1600 लोगों को इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अगर हम वो ग्रेस मार्क्स हटा भी दे तो आप बताइए रैंक में कितना ही इन्फ्लेशन आ जाएगा, कुछ भी कम नहीं होगा। दरअसल इस बार नीट में अचानक मेरिट काफी ऊपर चली गई है, जिसके चलते सामान्य भर्तियों को कॉलेज में दाखिला पाना भी मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 4 मई की रात को पेपर लीक हो गया था। मेडिकल की परीक्षा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 68 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 अंक मिले हैं। और देखिए, यूपी में पेपर लीक रोकने के लिए कानून आने वाला है। खबर ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त कदम उठाएंगे, खासकर सॉल्वर गैंग पर नजर रहेगी। पूरी डिटेल 7 सेकंड में। यूपी में पेपर लीक करने वालों और सॉल्वर गैंग के शामत आने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने परीक्षाओं का मजाक बनाने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा चुनाव में पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ सीएम योगी ने अधिकारियों की बैठक बुला दी। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार जल्द नया कानून लेकर आने वाली है।
इस कानून के तहत पेपर लीक कराने वालों और सॉल्वर गैंग पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा। यही नहीं, अब सिर्फ सरकारी शिक्षण संस्थान को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। नए कानून लाने की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। सॉल्वर गैंग और पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून लागू करने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने बहाली प्रक्रिया में तेजी लाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और देखिए, कंगना थप्पड़ कांड पर सियासी घमासान जारी है। आज उस महिला कांस्टेबल के सपोर्ट में जिसने थप्पड़ मारा था कंगना को, उसके सपोर्ट में किसान यूनियन इंसाफ मार्च निकालेगा। दरअसल मोहाली पुलिस की तरफ से उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुए थप्पड़ कांड ने बॉलीवुड की सुपरहिट हीरोइन और मंडी से सांसद चुनी गई कंगना रनौत और उनके चाहने वालों को सन्न कर दिया। थप्पड़ कांड की तस्वीरों ने सियासी हलके में भूचाल ला दिया। आरोपी CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, लेकिन अब इस पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। जानकारी के मुताबिक कंगना को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल के सपोर्ट में आज कई किसान मार्च निकालेंगे। ये प्रदर्शन मोहाली में होगा और कुलविंदर कौर के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग की जाएगी। थप्पड़ कांड के बाद इस मामले पर खूब बयानबाजी हुई थी। बट माई कंसर्न इज के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। कंगना रनौत जी है, वो पहले भी पंजाबी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए या उनको भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बहुत सी बयानबाजी करती रहे। मुझे लगता हमारी बहन को ये उचित नहीं लगा होगा, उस भावना में आके उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले चेहरों से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि TDP से राम मोहन नायडू मंत्री बनेंगे। शपथ लेने के लिए राम मोहन को फोन आया है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। देखिए, जब तक आज तस्वीर साफ नहीं हो जाती, पूरे दिन कुछ ऐसी ही अपडेट्स आती रहेंगी। हमारे सहयोगी आशीष का रुख करते हैं, जानकारी लेते हैं कि और कौन कौन से नाम हैं आशीष जो सामने आ सकते हैं, क्योंकि आज तो पूरा दिन यही जानने में बीतेगा कि किसे किसे फोन आया। जी देखिए स्नेहा, हमने पहले ही बताया था कि कैसे TDP जो NDA की सबसे सहयोगी और सबसे बड़ी दल है, उनके पास से एक कैबिनेट और कम से कम 3 MOS के नाम मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। हमारे पास ये अच्छी और पुख्ता जानकारी है कि राम मोहन नायडू है श्रीकाकुलम से 3री बार सांसद बने हैं, चंद्रबाबू नायडू का काफी करीबी हैं, पूर्व TDP के वरिष्ठ नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी काफी जाना माना चेहरा थे, अचल नायडू उनके बेटे हैं, के राम मोहन नायडू इनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, इस बात की पुख्ता जानकारी हमारे पास है। गुंटूर से जीत कर आए डॉक्टर चंद्रशेखर, बिल्कुल आशीष ऐसा है, ये प्रोफाइल और भी क्लियर होती जाएगी धीरे धीरे जैसे जैसे नाम सामने आएंगे। TDP की ओर से एक नाम सामने आया जहां पर कॉल आ चुकी है, लेकिन अब से ठीक 11 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी लगातार 3री बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो देखिए, नरेंद्र मोदी 3री बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ से पहले मंत्रिपरिषद को लेकर के माथापच्ची खूब हुई है। मतलब BJP से कौन मंत्रालय अपने पास रखेगा, सहयोगियों की मांगे कैसे पूरी की जाएंगी और कैबिनेट को लेकर के आखिरकार फॉर्मूला क्या होगा? क्या ये फॉर्मूला NDA के सभी दलों को कबूल होगा, सभी खुश होंगे? ऐसे कई सवालों की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए इन सवालों का जवाब देती ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन का ये फोरकोर्ट एक इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। यहाँ सजावट तकरीबन पूरी हो गई है, स्टेज बनकर तैयार है, जहाँ नरेंद्र मोदी लगातार 3री बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होने की शपथ लेंगे। बस चंद घंटों का इंतजार, उसके बाद देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखेगी। 2014 में भी देखा था, 2019 में भी देखा था, इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि BJP बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई और सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों के सहारे की जरूरत है।
2014 और 2019 में मंत्रियों को लेकर कयास जरूर लगे, लेकिन इस बार की फिजा बदली है, क्योंकि मोदी मंत्रिपरिषद में सहयोगी दलों की बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी होने जा रही है। किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कैबिनेट या राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या फिर राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा, इसको लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। नई सरकार में एनडीए के घटक दलों के लिए मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी को लेकर बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच कई दौर की बात हुई। अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सरकार में भागीदारी को लेकर टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नीतीश कुमार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे सहित सहयोगी दलों से कई दौर की मुलाकात कर चुके हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस के मंत्री बीजेपी अपने पास रखेगी, जिसे प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट के टॉप फोर यानी कि गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति जैसे दो मजबूत वैचारिक पहलुओं वाले मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास रखेगी, जबकि सहयोगियों को 5 से 8 कैबिनेट पद मिल सकते हैं। मोदी कैबिनेट में कई मंत्री रिपीट हो सकते हैं, जिनमें अमित शाह और राजनाथ सिंह को फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बसवराज बोमई, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल सरकार में शामिल होने के प्रबल दावेदार हैं। महाराष्ट्र जहां बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन का प्रदर्शन खराब रहा है और बिहार जहां विपक्ष ने वापसी के संकेत दिए हैं, सरकार गठन के कवायद के दौरान दोनों राज्य फोकस में हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं जबकि बिहार में अगले साल चुनाव होंगे। लिहाजा सभी समीकरण को देखते हुए कैबिनेट में उसी मुताबिक चेहरों को शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के साथ करीब 52 से 55 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें 19 से 22 कैबिनेट और करीब 33 से 35 राज्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो टीडीपी के एक कैबिनेट 2 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं, जबकि जेडीयू को 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री मिल सकता है। शिवसेना, एलजेपी, आरएलडी और एनसीपी का 1-1 मंत्री सरकार में हो सकता है। मोदी सरकार की कैबिनेट में जाति से ज्यादा क्षेत्रीय संतुलन पर जोर होगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को साधने वाला मंत्रिमंडल हो सकता है। मंत्रियों के चयन में उनके अनुभव, शिक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। मोदी मंत्रिपरिषद में बीजेपी से संभावित चेहरों में यूपी से राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, एसपी सिंह बघेल और पंकज चौधरी शामिल हो सकते हैं। गुजरात से अमित शाह और मनसुख मांडविया को मौका मिल सकता है। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान शामिल हो सकते हैं। हरियाणा से राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर और मनोहर लाल खट्टर को मंत्री बनाया जा सकता है। राजस्थान से अर्जुन मेघवाल और भूपेंद्र यादव को मौका मिल सकता है। महाराष्ट्र से नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और नारायण राणे मंत्री बन सकते हैं। ओडिशा से वैजयंत पांडा और अपराजिता सारंगी को मंत्री बनाया जा सकता है। केरल से पहली बार बीजेपी का खाता खोलने वाले सुरेश गोपी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के कई नेताओं का नाम मंत्री पद की रेस में शामिल है, जिनमें एस जयशंकर, जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव, शांतनु ठाकुर, विप्लव देव, सर्वानंद सोनोवाल, हरदीप पुरी, तापिर गांव, संजय बंडी या जी किशन रेड्डी, प्रहलाद जोशी, शोभा करंदजले, पीसी मोहन और राजीव चंद्रशेखर का नाम शामिल है। बीजेपी की तरफ से संभावितों की लिस्ट में चौंकाने वाला नाम पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। दरअसल बीजेपी के संगठन में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव की वजह से नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। चुनाव नतीजों ने संकेत दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी की विशाल मशीनरी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में किसी अनुभवी व्यक्ति को भेजे जाने और नड्डा को सरकार में जगह दिए जाने की संभावना बनी हुई है। पार्टी को इनाम चुनाव में 240 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े से 32 कम है। लिहाजा उसे एनडीए के सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना पड़ रहा है और मंत्रिपरिषद में उन्हें ज्यादा बढ़त देने की कवायद हो रही है। मोदी 3.0 के सहयोगी दलों के संभावित मंत्रियों में आरएलडी से जयंत चौधरी, जेडीयू से ललन सिंह या संजय झा में से कोई एक और रामनाथ ठाकुर, शिवसेना से प्रताप राव जाधव, एलजेपी से चिराग पासवान, जेडीएस से एचडी कुमार स्वामी, टीडीपी से राममोहन नायडू और के रविंद्रन, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल और अपना दल से अनुप्रिया पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले मंत्रिमंडल को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी महज चंद घंटों में साफ हो जाएगी, क्योंकि जिन नेताओं को शपथ लेने के लिए फोन कॉल आया है, पीएम उनसे सुबह 9 से 10 के बीच अपने निवास पर चाय पर मिलेंगे। तो देखिए, शपथ ग्रहण से पहले बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि टीडीपी के एक और कैंडिडेट को कॉल आई है, यानी कुल मिलाकर के टीडीपी के 2 सांसदों को फोन आ चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। टीडीपी डीआर चंद्रशेखर, इन्हें भी फोन आया है और कुल मिलाकर के टीडीपी की ओर से 2 सांसदों को फोन आ चुका है। आज शाम 7:15 तस्वीर बड़ी होगी, लेकिन घटक दलों की ओर से कौन कौन कहां कहां आएगा मंच पर नजर। टीडीपी के 2 सांसदों को फोन आ चुका है, ये क्लियर है।
और देखिए नरेंद्र मोदी शाम 7:15 पर मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो 7 देशों के मेहमान इसमें शामिल होंगे। कई मेहमान तो दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। शपथ ग्रहण को लेकर के दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर बात करें पूरी दिल्ली की तो हाई अलर्ट पर है। 2 दिन के लिए दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बस चंद घंटे बचे हैं जब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन का ये फोरकोर्ट उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेगा जब पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार की शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाएंगे। नरेंद्र मोदी के साथ उनके मंत्रिपरिषद के 52 से 55 मंत्री भी शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं जो ऐतिहासिक है। लिहाजा नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह भव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई है। उनके शपथ ग्रहण में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मेहमान के तौर पर शामिल होंगे, जिनमें बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, भूटान के पीएम शोरिंग तोबगे, मॉरिशस के पीएम प्रवीण जगन्नाथ, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम संघे शामिल हैं। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसी संभावना है कि शपथ बाद नरेंद्र मोदी भारत दौरे पर आए नेताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। भारत और मालदीव के तनावपूर्ण संबंधों के बीच म्यूजो का मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना अहम माना जा रहा है। चीन का समर्थक माने जाने वाले म्यूजो के राष्ट्रपति बनने के बाद पिछले वर्ष नवंबर से भारत और मालदीव के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। मोदी शपथ ग्रहण में विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां, जिनमें वकील, डॉक्टर और कलाकारों को न्योता दिया गया है। मेहमानों में विकसित भारत के राजदूत, केंद्र सरकार की योजना के लाभार्थी, आदिवासी महिलाएं, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन के लोको पायलट और सफाई कर्मचारी शामिल होंगे। साथ ही करीब 50 प्रतिष्ठित धार्मिक नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। पीएम के मन की बात के प्रतिभागी और पद्म पुरस्कार से विभूषित शख्सियत भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी के ओथ टेकिंग सेरेमनी में हमें इनवाइट किया है हमारे ऑफिसर्स के तरफ से। हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमें इस फंक्शन में सहभाग होने का मौका मिला है। तो मोदी के नेतृत्व में आज एनडीए सरकार शपथ लेने जा रही है। संभावित मंत्रियों में एलजेपी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। एबीपी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है, उनका क्या कहना है आप भी देखिए। राजनीति में उन्हें हनुमान कहा जाता है प्रधानमंत्री के, लेकिन फिलहाल तो ये कहिए कि लंका में पूरी तरह से आग लगाकर जीत कर पहुंच चुके हैं दिल्ली। चिराग पासवान हमारे साथ हैं, अपनी जीत को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? हाँ, डिस्क्राइब कैसे करूं, मतलब ये जनता की जीत है, उनके विश्वास की ये जीत है जो उन्होंने मुझ पर पिछले 3 सालों में कायम किया। ये 3 साल जिस तरीके से मैं जनता के बीच रहा, जिस तरीके से उनका प्यार आशीर्वाद मुझे मिला, और लोग अक्सर ये बोलते थे कि ये भीड़ सिर्फ देखने आ रही है, ये भीड़ सिर्फ भ्रमित करती है, बुलाई गई भीड़ है, वोट नहीं है, तमाम आरोप इन 3 सालों में मुझ पर लगाए गए। चुनाव के दौरान भी दुनिया भर के आरोप लगाए गए, पर मुझे लगता है ये एक जीत मेरे ऊपर उठी हर उंगली का जवाब है। पद्म भूषण रामविलास पासवान के बेटे ने हाजीपुर से जीत हासिल की, पापा को फोन करते तो क्या कहते? हाँ, आई विश कर सकता। आपने फोन का जिक्र किया मनोगिया जी, मैं एक्चुअली बताऊं, मतलब अभी भी ये चीज रजिस्टर नहीं होती है मुझे। इतनी आदत थी पापा को हर कार्य के बाद फोन करने की, मतलब यू वोंट बिलीव, मैं जब तक हम लोग जब मीटिंग्स में भी होते थे और जितनी बार मैं मंच से उतरता था तो या तो उनका फोन मुझे आ गया होता था या मैं उनको डायल कर रहा होता था, यही होता था। अभी भी आप नहीं यकीन मानेंगे, नहीं होता, मतलब आप नहीं होता एहसास कि आपके पिता आपके साथ नहीं है। आप अभी भी मानते हैं सबकॉन्शियसली कि वो हैं आपके साथ। मैं अभी भी कितनी बार मैं गाड़ी में बैठता हूं तो मैं उनका नंबर डायल करने लगता हूं, स्पीड डायल में अभी भी उनका नंबर है। कितनी बार मैं बैठता हूं, मैं मेरे मुंह से निकलता है पापा को फोन लगाना। तो ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां उनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है। मोमेंट ऐसा था जब आप संसद भवन में थे और वहां पर प्रधानमंत्री के गले मिले, क्या बात हुई, मुलाकात हुई, भावनाएं बताइए मुझे। खूबसूरत लम्हा था, और ये वही लम्हा था जिसका जिक्र मैंने हमेशा किया है कि मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी से वो रिश्ता, बहुत कम प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक तौर पे उसको एक्सप्रेस करते हैं, बट गाहे बगाहे एनडीए की बैठक में उन्होंने मुझे गले लगाया। मैं तो पीछे से क्रॉस ही कर रहा था, बट उन्होंने खुद हाथ आगे कर मुझे आगे, अब मैं कैसे उनसे हाथ मिलाऊं, इतना छोटा हूं मैं उनसे,
तो मैं ऐसे ही झुका और जिस तरीके से उन्होंने मेरा सर पकड़ के मुझे गले लगाया और जो उन्होंने बोला मतलब अपनी बातों में उन्होंने ये कहा कि बहुत बढ़िया बोले बेटा, बेटा कह के जब उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया बोले, मैं एक्चुअली बोलूं वापस से वही मोमेंट है, पापा अगर उस वक्त बैठे होते तो शायद वो भी एग्जैक्टली यही शब्द बोलते, बहुत बढ़िया बोले बेटा जो उन्होंने बोले। तो ये कुछ मोमेंट्स हैं मेरे उनके साथ जो उम्र भर मेरे साथ रहेंगे और मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सिनेमा पर बहुत बढ़िया काम किया कंगना के साथ, एक और तस्वीर आ गई जिसमें लगा प्रभु तो आज वही ये आपने खुद ही कह दिया इससे पहले कि कमेंट्स में लिखा जाए जरूर जवाब दीजिएगा कतई मत दीजिएगा इसके ऊपर, मुझे जवाब पता है बढ़िया काम नहीं किया था अभिनेता बेहतर है कि नेता चिराग पासवान बेहतर है? अब तो नेतागिरी में ठीक ठाक, संसद में कंगना के साथ अभिनेत्री और नेत्री एक साथ रहे? नहीं नहीं, थैंक गॉड यहीं पे बेहतर है और बहुत खुश हूँ जहाँ पे हूँ। फिर वही बात है, अगर मैं मतलब अब मैं ये कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि सहजता से आता है, फिर नेपोटिज्म कहा जाता है, वहां करने गया, वो मेरी सात पुश्तों में किसी ने नहीं किया था तो मुझसे हुआ नहीं, तो इंसान करे तो क्या करे। सबसे ज्यादा परेशान किसने किया, गर्मी, बारिश, धूप, जनता, क्या सबसे ज्यादा? सवालों ने मीडिया के सवाल, आप ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, आप ये सीट हार रहे हैं, आप वो सीट हार रहे हैं, इतना तो इंसान परिणाम वाले दिन परेशान नहीं होता है जितना उससे पहले वो एग्जिट पोल और वो अलग अलग चैनल्स और यूट्यूब के दुनिया भर के चैनल्स और सोशल मीडिया पे ये जीत रहा है, वो हार रहा है, वो जितना परेशान करता है। गुस्सा नहीं आता आपको? नहीं आता नहीं आता, बहुत ध्यान लगाता हूँ, मेडिटेशन बहुत करता हूँ, बहुत सेल्फ कंट्रोल है। मैं ना आप मुझे दुख में डिप्रेस देखेंगी, ना आप मुझे खुशी के समय अतो उत्साही देखेंगे, मेरा दिमाग खराब नहीं होता खुशी के समय, हमेशा नियंत्रित रहता हूँ, बैलेंस्ड रहता हूँ। जब आप बैलेंस की बात कर रहे हैं तो राजनीति में बैलेंस बड़ा मुश्किल हो जाता है और नीतीश कुमार जी तो फेवरेट है बैलेंस को डिसबैलेंस करने के लिए, इस बार भरोसा है बैलेंस बना रहेगा 5 साल सरकार? बिल्कुल बना रहेगा, मेरे मुख्यमंत्री है, मेरा विश्वास है उनके ऊपर और इस दौरान मेरी कई मुलाकातें हुई हैं उनसे, मुझे लगता है परिणाम को आए हुए जितने दिन हुए हैं उतनी मेरी मुलाकातें भी हुई हैं, ऑलमोस्ट वी आर मीटिंग ऑन अ डेली बेसिस किसी ना किसी वजह से, तो ऐसे में उनसे जो बातचीत हुई, बल्कि हम लोग तो आगे की अब तैयारी कर रहे हैं, हम लोग विधानसभा की कल पार्लियामेंट में हम लोग बैठे हुए थे तो वहां पर चर्चा हम लोग विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे थे, तो मेरे मुख्यमंत्री जी मजबूती से, मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, मजबूती से हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जीता, सरकार बनाने जा रहे हैं और 5 साल तक चलाएंगे भी। चिराग पासवान शपथ ग्रहण में क्या पहन के जा रहे हैं, कपड़ा वपड़ा बनवा लिया नया? शपथ ग्रहण में मैं जाऊंगा जरूर, मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते देखना मेरी ख्वाहिशों में से एक है। आप जानती हैं 2014 में मैं आया भी इस अलायंस में इसीलिए था ताकि मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने, उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे वो 2014 में और हम लोग यूपीए के साथ थे, उस वक्त पापा को कन्विंस करके मैं आया इसीलिए था ताकि वो देश कपड़े का जवाब दीजिए ना। अरे प्रभु कपड़े क्या करने, कपड़े तो इंसान पहन के जाता ही है। क्या पहन रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, नया कपड़ा सिलवाए हैं, शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं? शपथ ग्रहण समारोह में चिराग पासवान बतौर सांसद जरूर मौजूद रहेगा ये थे चिराग पासवान अपने अंदाज में। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहिवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। और चलिए अब आपको बड़ी खबर दे दें, लगातार जो नए मंत्री बनने वाले हैं उनको फोन आ रहा है और बड़ी जानकारी मिल रही है कि जेडीयू की तरफ से रामनाथ ठाकुर मंत्री बनेंगे। जेडीयू कोटे से रामनाथ ठाकुर को फोन आ चुका है, सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी दे रहे हैं। जेडीयू के ललन सिंह को भी फोन आ चुका है, जेडीएस से कुमार स्वामी को फोन आ चुका है, देखिए वो धीरे धीरे नाम सामने आ चुके हैं जो आज शाम को शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं।